नौबस्ता थाना क्षेत्र में मिली एक युवक की लाश के बाद हड़कंप मच गया। सभी लाश की शिनाख्त कर रहे थे कि आखिर वह कौन था, किसने हत्या की होगी। कुछ इन्हीं सवालों में पुलिस भी उलझी रही, लेकिन कुछ देर बाद मौके पर पहुंची बहन ने बताया कि यह राजू मिस्त्री की लाश है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कानपुर नौबस्ता थाना अंतर्गत सुबह होते ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई देखी गई, जिसकी सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ लगती ही जा रही थी। तभी नौबस्ता पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू की गई, तो प्रथम दृष्टया ही सर में लगी चोट से हत्या की आशंका जताई जा रही थी, जिसके सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और जांच को आगे बढ़ाया गया। शिनाख्त करने में लगी पुलिस के बीच पहुंची महिला ने जब यह बताया कि मृतक उसका भाई है और उसे राजमिस्त्री के नाम से जाना जाता है, तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। वहीं सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता ने यह दावा किया है कि जल्द ही राजू मिस्त्री की मौत का रहस्य पर से पर्दा उठा दिया जाएगा। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भाई, क्या सूचना आपको सुबह दी गई थी? क्या हमको कुछ नहीं मालूम, रात को आए नहीं, इसलिए जो है सुबह हमको पता मिला तब हम आए। क्या सूचना मिली थी? भाई ये आपके पड़े हुए हैं वहाँ पर, इनके साथ रहते थे। हाँ, अरे ये किया क्या गया इनके साथ, क्या सूचना आपको दी गई थी? ये मिली है कि यहाँ पर बॉडी पड़ी है खाली, और कुछ कुछ वजह पता चली है कि किस वजह से किया गया, या इनकी किसी से रंजिश या फिर कोई विवाद? रंजिश किसी से नहीं थी। अक्सर रात को ये नहीं आते थे? क्या काम करते? क्या थे? बिजली का काम, ये रोज का नियम था, 12-1 बजे जाता था उनको। आज सुबह एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई एक डेड बॉडी की, कि एक व्यक्ति जो है मृत अवस्था में पाया गया है। पुलिस जब यहाँ पर पहुँची और कॉर्डन ऑफ कर दिया, बॉडी पाई गई है। सर पर इसको चोट इसमें पाई गई है, रक्त बह रहा है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। क्या वजह रही जो हत्या की गई? अभी बस डेड बॉडी मिली है और इसके ऊपर आगे की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतक कोई पहचान वगैरह हुई क्या, रंजिश वगैरह कुछ परिवार वालों ने बताया? परिवार वाले मौके मौजूद हैं। ये जो व्यक्ति जिसको जिसकी डेड बॉडी मिली है, इसको राजू मिस्त्री के नाम से आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि एक मजदूर था, इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। ये इसकी पहचान हो पाई है। जो मैडम हत्या की गई है, किन चीजों का इस्तेमाल किया गया हत्या में? इसमें इसके सर पे जो है ईंट से वार किया गया है।